हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज मैं आया हुआ हूँ अपने गांव, जहाँ पर हम लोग का सौरा का फेस्टिवल है। अभी कल हम लोग का उमू था और आज हम लोग का बोंगा होने वाला है और कल हम लोग का खुंटा होगा। तो आज हम लोग पतर पिठा बनाएंगे, खाएंगे, बच्चों के साथ एंजॉय करेंगे और कल मेहमान लोग आएंगे। चलिए आपको अपना गाँव का व्यू दिखाते हैं आज। तो ये देखिए, ये है हमारा बाड़ी और ये हमारे बाड़ी का ताड़ का पेड़। और उधर देखिए, जो आपको घर दिख रहा है वो हमारा छोटा सा प्यारा सा घर है। चलिए आपको घर के सदस्यों से मिलाते हैं आज। ये दोनों हमारे घर के बकरियां। और अभी हमने देखिए इधर प्याज भी बोया हुआ है। ये देखो हमारे घर का गुंडा और हमारे घर के गुंडियां, हमारे घर के हमारे घर की सबसे छोटी बेटी। और ये हम लोग का छोटा बाबू। ये देखिए, ये रंगोली बनाने के लिए अभी आटा मिलाया जा रहा है। अभी आपको थोड़ी देर में संथाली रंगोली दिखाएंगे। तो पहले पहले ही में टेढ़ा हो गया। नहीं, वो अब सीधा कर देंगे। ये देखिए, ये है हम लोग का रंगोली। ये देखिए, यहाँ पर अभी हम लोग पतरा पीठा बना रहे हैं। ये है चिकन, इसमें चावल का आटा मिक्स करके थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा सरसों तेल मिक्स करके बनेगा हमारा देसी पिज्ज़ा पतरा पीठा। तो वेट करते हैं थोड़ा सा पतरा पीठा बनने का। अब ये अब पलटना होगा इसे, एक साइड हल्का सा पक चुका है, अब दूसरी साइड की बारी है। निकल चुका है अभी और दूसरा पतरा पीठा चढ़ चुका है। और ये देखिए, ये है मेरी चाची। अच्छा, आम बाम भिजवा। अच्छा ठीक है, तो अभी दूसरा पतरा पीठा चढ़ चुका है और अभी बनना शुरू हुआ है। और एक पतरा पीठा चिकन, आपको रेसिपी दिखाते हैं। चिकन, थोड़ा सा प्याज, और प्याज के बाद धनिया पत्ता और थोड़ा सा मसाला, लहसुन, अदरक और मिर्च का पेस्ट और थोड़ा सा नमक, हल्दी और ये क्या है, वो है मिर्च मसाला। अच्छा, मिक्स मसाला है, मिक्स मसाला। और थोड़ा सा सरसों तेल डाल के इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। और थोड़ा सा अब इसमें आटा डालेंगे, चावल का पीसा हुआ, और फिर बन के रेडी हो जाएगा। और इस तरह चढ़ा के 15-20 मिनट तक सेकना है, फिर हमारा पतला पीठा रेडी हो जाएगा। देखिए, अब आटा मिलाया जाएगा। अब बने रहिए इस ब्लॉग में, आपको डांस भी दिखाया जाएगा। आज रात को होगा हमारे घर तरफ डांस। सो रहा है भाई, डांस तो बनता ही है, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। और यहाँ देखिए,
अभी हम लोग दादी के साथ यहाँ आग ताप रहे हैं। ठीक है, ठंड वैसे बहुत बढ़ गई है अभी। रियाड़ दे में रियाड़ का ना, और ये है मेरा भाई। अभी ये हमेशा मुर्गा मुर्गा करता था, लेकिन आज वेजिटेरियन बन के आया है। और ये देखिए हमारे घर के बच्चे, यह है मेरा फर्स्ट हाउस, सबसे पुराना घर। और अभी हम लोग यहाँ जस्ट थोड़ी देर पहले चिकन काटे हैं, और अभी बस चिकन का लदनी पोछनी साफ करना बाकी है। देखिए, और इस चूल्हे में हम लोग यहाँ पर पतरा पीठा बनाएंगे। चाची के यहाँ तो पतरा पीठा खा चुके हैं, अब यहाँ भी खाना है। ये देखिए, ये देखिए मेरी छोटी सी क्यूट सी सिस्टर लोग अभी पतरा पिठा बना रही है। रेसिपी सेम है, बस पतरा पिठा बनाने वाले आदमी लोग बदल गए हैं। हम थोड़ा दिमाग लगाए हैं, मोबाइल कैसे चलाएं। ये हम लोग की डेयर डेविल है, दिखता नहीं है लेकिन सब कुछ कर देती है। और देखिए किस तरह हमारी छोटी बहन बना रही है अभी। और एक चढ़ा हुआ है तो रेसिपी तो हम बता चुके हैं पहले ही, देख लीजिएगा रेसिपी भी। पतरा पिठा बनाने का रेसिपी, ये देखिए ये सब मसाला सब। ये है मिर्चा को पूरा ग्राइंड किए हैं, हल्दी। तो अब पतरा पिठा बनने का वेट करते हैं और टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसे बनाती है दोनों। बहुत ज्यादा डेयरिंग बाज वाला काम करने जा रहे हैं। ये है पतरा पिठा जिसे मेरी बहनों ने बनाया है, तो देखते हैं जिंदा बचते हैं कि नहीं खा के। बने रहिएगा मेरे साथ आप लोग, अगर जिंदा बच गए तो कल ब्लॉग अपलोड कर देंगे। ये देखिए ऐसा दिखता है पतरा पिठा पकने के बाद। थोड़ा सा इसे अलग किया जाए। तो आप पतरा पिठा टेस्ट किया जाए, देखते हैं कैसा है। मसाला ठीक से मिला हुआ है, सब बढ़िया ही लग रहा है। खा के जिंदा बच जाएंगे, देखते हैं अब तो। मर गया। काफी अच्छा बना है, थोड़ा सा तीखा है लेकिन बढ़िया है। मैं ले जाऊंगा तेल, जल्दी बनाओगे ना? ना तू खाई है तो आपके पीछे तो मैं ऐसे पूरा खा। ओ ना कोई निराश हो के नहीं आए है? तो पतरा पिठा तो बहुत टेस्टी बना हुआ है। अब इसके बाद हम लोग आपको डांस दिखाएंगे, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज सोहराय का तीसरा दिन है, और आज हम लोग घर की तरफ खुलता है। तो चलिए आपको ब्लॉग शुरू करते हैं, इस ब्लॉग को और आपको दिखाते हैं आज क्या क्या होने वाला है।
धमका
आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में। देखने के लिए धन्यवाद, दिल से शुक्रिया।